हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना, और कार्बनिक रसायन में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कार्बनिक रसायन का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा कर चुके हैं, और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं। हर चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों मेजरली जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो किसी भी चैप्टर की रासायनिक अभिक्रिया है। हमने लास्ट लेक्चर में जो रासायनिक अभिक्रियाओं की बात की, तो वहाँ पर हमने नाभिक रागी अभिक्रियाओं पर चर्चा की। अब इसके अलावा हमारे जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो बहुत सारी और अभिक्रिया भी दर्शाते हैं। उन अभिक्रियाओं में अपचयन, ऑक्सीकरण और अल्फा हाइड्रोजन का संघनन, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं इस चैप्टर की हमको डिस्कस करनी है। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं के भाग दो में आज हम जिन टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे वो हैं हमारे अपचयन और ऑक्सीकरण। अपचयन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन का जुड़ना। तो आज हम सिर्फ इन्हीं दो टॉपिक्स पे बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन की अपचयन और ऑक्सीकरण क्या होता है। क्लियर? तो हम शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ भाग दो। रासायनिक अभिक्रिया भाग दो में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है अपचयन। अब बच्चों, अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन। क्या मतलब होता है अपचयन का? अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन, अगर हम इंग्लिश में बात करें। अपचयन का मतलब हमने क्या बोला? किसी भी चीज में हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हम बोलेंगे कि अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, अब हाइड्रोजन को हमको किस में जोड़ना है? ये रासायनिक अभिक्रिया मैं सिर्फ आपको एल्डिहाइड और कीटोन की बता रही हूं। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हमारे चैप्टर का थर्ड पार्ट है उसे अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन की। तो बच्चों, एल्डिहाइड की अगर मैं बात करूं और मैं कीटोन की बात करूं, ठीक है, तो बच्चों एल्डिहाइड जो होता है आपका, एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो होता है आपका कार्बन डबल बॉन्ड ओ के साथ एक जगह आर लगा हुआ, एक जगह एच लगा हुआ, इसी को बोलते हैं हम एल्डिहाइड। कीटोन हम किसको बोलते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी आर लगा और इधर भी आर लगा। अब इस एल्डिहाइड और कीटोन का मुझे अपचयन करवाना है। अपचयन करवाना मतलब हाइड्रोजन को जोड़ना। तो अपचयन करवाने के लिए मुझे यहाँ पर किसी ना किसी अपचयक की आवश्यकता पड़ेगी। तो मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर कुछ अपचयक लेने पड़ेंगे। अपचयक का मतलब जो ये रिडक्शन का काम कर दे, जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करे। तो हम यहाँ पर कौन से अपचयक प्रयोग में लेते हैं? तो जब अगर हमें अपचयन करवाना है तो हमें अपचयक कौन कौन से चाहिए? पहला अपचयक होता है हमारा LiAlH4, ठीक है, दूसरा होता है NaBH4, और तीसरा होता है NaC2H5OH की उपस्थिति में। ये तीनों ही आपके अपचयक के रूप में काम करते हैं। अब मैंने पहले नंबर पे लिखा LiAlH4, तो ये क्या है? ये है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्लियर स्टूडेंट्स? दूसरा NaBH4, इसको हम बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक
तीसरा मैंने लिखा है Na(C2H5OH) की उपस्थिति में, मतलब सोडियम इन इथेनॉल। C2H5OH क्या होता है हमारा? C2H5OH मतलब दो कार्बन मतलब एथ ग्रुप, और पीछे OH लगा है तो इसको मैं बोलूंगी इथेनॉल। तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका सोडियम, और किसकी उपस्थिति में? एथेनॉल की उपस्थिति। क्लियर? तो ये सब क्या है? ये सब अपचयक है। अपचयन करवाने के लिए मुझे इनमें से किसी ना किसी को ऐड करना पड़ेगा, किसी ना किसी का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी मैं अपचयन की अभिक्रिया को करवा सकती हूँ। तो अपचयन जो है वो आप दो तरीके से करवा सकते हो। पहला अपचयन जो आप करवाते हो उसमें आपको अल्कोहल प्राप्त होता है, और दूसरा अपचयन जो आप करवाते हो वो आप हाइड्रोकार्बन से करवाते हो। तो अपचयन क्योंकि हम दो तरीके से कर रहे हैं तो इनके हमारे पास में दो नाम है। पहला होता है क्लेमेंसन अपचयन और दूसरा आपका होता है वुल्फ किशनर अपचयन। मैं आपको बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि जो भी अभिक्रिया हम नाम से पढ़ते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अभी जो हम अपचयन पढ़ेंगे, एक होगा क्लेमेंसन का अपचयन, दूसरा आपका होगा वुल्फ किशनर का अपचयन। तो जो नाम वाली अभिक्रियाएं हैं उनको आपको अलग से नोट करना है, उनके आप अलग से नोट्स बनाकर उनको अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि नाम वाली अभिक्रियाएं किसी ना किसी रूप में आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपचयन की अभिक्रिया के साथ कि अपचयन मुझे दो तरीके से पढ़ना है। तो दो तरीके से हमें अपचयन को कैसे पढ़ना है वो दो तरीके हैं। पहला आपका है अपचयन हम करवाएंगे अल्कोहल से, और दूसरा अपचयन हम करवाएंगे हाइड्रोकार्बन से। मतलब एक में आपका अल्कोहल का निर्माण होगा और एक में आपका हाइड्रोकार्बन का निर्माण होगा। तो अपचयन हमको दो तरीके से पढ़ना है, एक अल्कोहल से, एक आपका हाइड्रोकार्बन से। तो बच्चों जब हम अपचयन को अल्कोहल से करेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्लेमेंसन अपचयन, और इसको हम बोलेंगे वॉल्फ किशनर अपचयन। एक हुआ हमारा क्लेमेंसन अपचयन और दूसरा हो गया हमारा वुल्फ किशनर का अपचयन। क्लियर? अब क्योंकि मैंने आपको बोला कि अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना, तो ये हाइड्रोजन हम किस में जोड़ रहे हैं? ये हाइड्रोजन हम एल्डिहाइड या कीटोन में ही जोड़ते हैं। तो बच्चों देखो, अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो एल्डिहाइड क्या होता है आपका? सी डबल बॉन्ड ओ के साथ यहां पर एच, और यहां पर भी आपका एच लगा। कीटोन की बात करूं तो कीटोन क्या होता है? कीटोन का मतलब होता है सी डबल बॉन्ड ओ, लेकिन इधर एच और एच नहीं, इधर आपका आर और आर लगा। क्लियर? अब अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे ही टर्म आएगी अपचयन, हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें करना क्या है, हमें यहां पर हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो दोनों में हमको क्या करना है? दोनों में हमको किसको जोड़ना है? हाइड्रोजन को जोड़ना है। क्लियर इतना? चलिए, जब आप एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए मैंने बोला कि अभिक्रिया इतनी आसानी से नहीं होगी, हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? हमें कोई ना कोई अपचयक उसमें ऐड करना होगा। तो अपचयक में क्या लूं? अपचयक में ले सकती हूं Na(C2H5OH), या फिर मैं अपचयक के रूप में किसका प्रयोग कर सकती हूँ? अपचयक के रूप में मैं ले सकती हूँ सोडियम का बोरोहाइड्राइड या फिर लिथियम का एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये तीनों ही अपचयक हैं, इन तीनों में से आप कोई भी प्रयोग में ले सकते हो। तो बच्चों अगर आपने एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन किया, अपचयन करना मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना, अगर आपने इसमें हाइड्रोजन को जोड़ा है तो हाइड्रोजन को जोड़ने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? हमें मिलेगा या तो प्राथमिक अल्कोहल, क्या मिलेगा? या तो मिलेगा हमको प्राथमिक अल्कोहल, या फिर हमें मिलेगा द्वितीयक अल्कोहल।
क्लियर इतना? तो एल्डिहाइड और कीटोन में से अगर हम किसी का भी अपचयन करवाते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है, और इस पहली अभिक्रिया को हम कहते हैं कि हमने करी क्लीमेंसन की अभिक्रिया। लेकिन ये अभिक्रिया करने के लिए हमें यहाँ पर अपचायक ये नहीं लेने होंगे, यहाँ पर हम अमलगमित जिंक का प्रयोग करेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे। तो देखो, हमें एल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल मिलता है और कीटोन से आपको द्वितीयक अल्कोहल मिलता है। प्राथमिक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप भूल चुके हैं, तो प्राथमिक अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, और OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके अगर दो कार्बन के साथ जुड़ा है तो वो बनता है आपका द्वितीयक अल्कोहल। तो ध्यान रखना कि हमेशा जो आपके एल्डिहाइड होंगे वो आपको प्राथमिक अल्कोहल देंगे, ठीक है, और जो आपके कीटोन होंगे वो हमेशा आपको कौन सा अल्कोहल देंगे, वो हमेशा आपको द्वितीयक अल्कोहल देंगे। क्लियर इतना? चलिए, तो अपचयन को दो तरीके से पढ़ते हैं, एक आपका अल्कोहलों से और दूसरा आपका हाइड्रोकार्बन से। तो पहली अभिक्रिया जो होगी हमारी वो है अल्कोहलों से और दूसरी है हमारी हाइड्रोकार्बन से। तो सबसे पहले अपचयन को पढ़ते हैं हम अल्कोहल से। अब पहली अभिक्रिया में हम बात करेंगे एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड का मतलब आपका CHO समूह। तो बच्चों, ये आपकी अभिक्रिया हुई पहली नंबर वाली एल्डिहाइड से, और दूसरी अभिक्रिया मैंने की है कीटोन के लिए। कीटोन का मतलब RCOR ग्रुप। क्लियर? अब इस अभिक्रिया में मैंने अल्कोहल को उत्पाद के रूप में प्रोड्यूस किया है, और मैंने आपको बोला कि एल्डिहाइड से आपको 1 डिग्री का अल्कोहल मिलेगा जो कि आपका प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है, और कीटोन से आपको 2 डिग्री का अल्कोहल मिलेगा। अभिक्रिया का नाम क्या? अपचयन। क्या किया? अपचयन किया। अपचयन करना कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में क्या क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन को जोड़ दो, ठीक है। अब ये जो अल्कोहल से अपचयन आप कर रहे हो, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं क्लीमेंसन का अपचयन। क्या नाम है इस अभिक्रिया का? इसका नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। हिंदी में हम इसको बोलेंगे क्लीमेंसन का अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन। तो बच्चों, क्लीमेंसन अपचयन होगा किसकी उपस्थिति में? आपको यहां पर लेना पड़ेगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और किसके साथ? अमलगमित जिंक के साथ। Zn और HG मैंने लिखा, HG हम मरकरी को कहते हैं, तो जब हम Zn और HG लिखते हैं तो इसका मतलब हमने यहाँ लिया है अमलगमित जिंक। तो आपको यहाँ पर अपचायक क्या लेना है? यहाँ पर अपचायक आप सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं लोगे, आप लोगे अमलगमित जिंक सांद्र HCl की उपस्थिति में। क्लियर? अमलगमित जिंक, अमलगमित जिंक का मतलब मेरे को लेना है Zn और HG।
किसकी उपस्थिति में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसी की उपस्थिति में आपकी ये अभिक्रिया होगी। और देखो बना क्या, CH2OH, ये जो H2 है ना, ये आपका यहां जाके जुड़ गया और H2O ने बाहर निकाल दिया, तो ये बन गया आपका 1 डिग्री वाला एल्कोहल। सिमिलरली ये H2 आपका यहां जाके जुड़ेगा, एक H यहां से जुड़ेगा, एक H वाटर बना के बाहर निकलेगा और यहां मिल गया आपको 2 डिग्री का एल्कोहल। क्लियर इतना? तो यहां पर जो मैंने अभिक्रिया की वो मैंने अमलगमित जिंक की उपस्थिति में की, साथ में मैंने सांद्र HCl भी लिया, तो इस तरीके के अपचयन को हम कहेंगे क्लीमनसन का अपचयन। क्या कहेंगे? क्लीमनसन का अपचयन। ध्यान ये रखना है कि एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल मिलेगा, किटोन से हमेशा हमको सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। क्लियर इतना? चलिए अब दूसरा अपचयन है आपका हाइड्रोकार्बनों से अपचयन। इसका मतलब अब जो बनेगा वो आपके हाइड्रोकार्बन बनेंगे। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन से अपचयन, अगर अपचयन हाइड्रोकार्बन से हुआ है तो इसको हम कहते हैं वुल्फ किशनर रिडक्शन। क्या बोलेंगे इस अभिक्रिया को? इसको बोलेंगे वुल्फ किशनर रिडक्शन, वुल्फ किशनर अपचयन। क्लियर? तो इसको बोलेंगे वुल्फ किशनर अपचयन। अब हमेशा ध्यान रखना कि वुल्फ किशनर अपचयन अब अमलगमित जिंक और सांद्र HCl की उपस्थिति में नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या अपचायक लेने पड़ेंगे? इसके लिए आपको अपचायक लेना है NH2, जिसको हम कहते हैं हाइड्राजीन। ठीक है, दूसरा आपको लेना पड़ेगा शार, शार मतलब आपको लेना पड़ेगा KOH, और तीसरा आपको करना पड़ेगा इसको गर्म, तो आपको इसको देनी पड़ेगी ऊष्मा। तो ये तीनों चीजें अब हम अपचयक के रूप में प्रयोग में लेंगे। तो देखिए यहां पर क्या होगा अभिक्रिया में, ये सारे हो गए हमारे अपचयक। क्लियर है? ये तीनों की उपस्थिति में अब आपका हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो देखिए अभिक्रिया कैसे होगी, यहां मैंने लिया C डबल बॉन्ड O, R और H। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे इसमें डालना है NH2 हाइड्रोजन हुआ, वाटर यहां से बाहर निकलेगा आपका, और साथ में आपको यहां पर क्या प्रयोग में लेना है KOH, KOH को प्रयोग में लेके आपको यहां देनी है ऊष्मा। तो बच्चों यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा आपका CH2, N2 आपका बाहर निकल जाएगा और साथ में वाटर भी आपका बाहर निकल जाएगा। तो NH2 का जुड़ना, NH2 और NH2 का जुड़ना, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, और दूसरा आपको इसको KOH की उपस्थिति में तीसरे नंबर पे आपको इसको क्या देनी है ऊष्मा। अब ये जो CH2 बना, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका हाइड्रोकार्बन। क्लियर? तो यहां पर ये अभिक्रिया होगी कैसे, इस H2 का NH2 का H यहां जुड़ेगा, ये H2O वाटर बन के बाहर निकल जाएगा, N और N मिलके N2 बन के आपके बाहर निकल जाएंगे। तो ये अभिक्रिया आपकी इस तरीके से होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पर कीटोन लिया, ठीक है, तो कीटोन में भी क्या होगा, आपको पहले इसमें डालना पड़ेगा हाइड्राजीन, साथ में डालनी पड़ेगी आपको इसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, क्षार का मतलब होता है हमारा KOH। तो भी यहां पर क्या बनेगा, यहां बनेगा आपका CH2 साथ में N2 प्लस वाटर। N2 और वाटर का बनना, साथ में हाइड्रोकार्बन का बनना, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं वुल्फ किशनर की अभिक्रिया। अब आप पूछोगे कि दोनों अभिक्रिया में अंतर क्या है, तो बच्चों पहली अभिक्रिया में आपका एल्कोहल बनता है और दूसरी अभिक्रिया में आपका हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। पहली अभिक्रिया जो मैंने क्लीमनसन की वो मैंने आपके अमलगमित जिंक की उपस्थिति में की, ये अभिक्रिया मैंने हाइड्राजीन की उपस्थिति में की। अब ये अभिक्रिया आपकी होती कैसे है, इसको हम यहां समझते हैं। देखिए जैसे आपके पास में सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर एच है, यहां पर एच है, ये क्या हुआ,
कार्बोनिल समूह के दोनों आसपास H लगा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये हो गया मेरा HCHO। अब बच्चों अगर आपने नाम पद्धति को अच्छे से पढ़ा है, जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया है, तो मैंने आपको बताया है कि HCHO का नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। HCHO को हम क्या कहते हैं? HCHO को हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अब अगर इस फॉर्मल्डिहाइड में आप NH2 डालते हो, NH2 को क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन बोला, ठीक है। अब अगर आप इसमें NH2 डालते हो तो आप क्या देखोगे कि ये वाला जो आपका H2 है ना, वो इस कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा। ये वाला जो H2 है ना, ये इस ऑक्सीजन के साथ वाटर बना के बाहर निकल जाएगा और ये दोनों N मिलके आपके N2 गैस के रूप में यहां से निकल जाएंगे। लेकिन करना क्या होगा, साथ में हमको यहां पर लेना होगा एल्कोहलिक KOH के साथ इसको ऊष्मा देनी होगी। इसको क्या देनी होगी? ऊष्मा। तो यहां पर आपका क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिए, एक तो बनी N2 गैस, एक बना आपका H2O और साथ में दो हाइड्रोजन इसके पास है, ये 4 हो जाएगा यहां, ठीक है। चार हाइड्रोजन हो गए क्योंकि दो उसके हैं। तो यहां बनेगा आपका CH4 और CH4 का नाम होता है मिथेन। तो मिथेन आपका हाइड्रोकार्बन है, तो 2H तो इसके खुद के हो गए, ठीक है, और 2H इसने हाइड्रोजन ने दे दिए, तो 2 और 2 कितने हो गए यहाँ पर? 2 और 2 हो गए आपके 4। तो यहां बना एक हाइड्रोकार्बन, एक आपकी N2 गैस और एक बना आपका H2O। क्लियर है बच्चों? तो दोनों अभिक्रियाओं में फर्क ये है कि दोनों में हुआ तो अपचयन, हुआ हाइड्रोजन का एडिशन, लेकिन पहला अमलगमित जिंक की उपस्थिति में हुआ तो एल्कोहल बना, और दूसरा आपका हाइड्राजिन की उपस्थिति में हुआ, क्षार की उपस्थिति में। तो आपने देखा कि यहाँ क्या बना, यहाँ आपका बना हाइड्रोकार्बन। क्लियर इतना? तो ये आपकी अभिक्रिया थी जिसका नाम था अपचयन, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है एल्डिहाइड और कीटोन की। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे अगली अभिक्रिया की तरफ जिसका नाम है ऑक्सीकरण। क्या नाम है अगली अभिक्रिया का? ऑक्सीकरण, ठीक है। अब ऑक्सीकरण को इंग्लिश में हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और बच्चों ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज में ऑक्सीजन का जुड़ना। अब बच्चों किसी भी चीज में अगर ऑक्सीजन जुड़ गई, जैसे एल्डिहाइड का अगर आपने ऑक्सीकरण करा दिया, तो वहां पर आपका अम्ल बन जाता है। और हमेशा ऑक्सीकरण करवाने के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, जो कि आपके होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो K2CR2O7, KMNO4, ये सारे ही एजेंट्स ऐसे हैं जो आपके ऑक्सीकरण का काम करते हैं। तो अब हम समझेंगे कि हम ऑक्सीकरण को कैसे कर सकते हैं। ऑक्सीकरण हुआ हमारा ऑक्सीजन का जुड़ना। तो बच्चों ऑक्सीकरण करने के लिए हमें सामान्य ऑक्सीकरण और साथ में प्रबल ऑक्सीकरण की आवश्यकता होती है। एक होते हैं हमारे सामान्य ऑक्सीकरण, एक होते हैं हमारे प्रबल ऑक्सीकरण। अब अगर हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करवाएंगे, इसका मतलब अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो हमें क्या करना होगा? हम जानते हैं कि एल्डिहाइड का जनरल सूत्र होता है RCHO, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका एल्डिहाइड। अगर बच्चों आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, इसका मतलब अगर आप एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करते हैं, तो आपके जो एल्डिहाइड हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एल्डिहाइड किस में परिवर्तित हो गया? एल्डिहाइड हमारा परिवर्तित हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल में, जिसका जनरल सूत्र होता है RCOOH। अब ये जो ऑक्सीकरण हुआ, ये आपका सामान्य ऑक्सीकृत की उपस्थिति में हो सकता है। सामान्य ऑक्सीकृत होते हैं आपके नाइट्राइल या फिर आपका पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर?
ये सारे आपके सामान्य अभिकर्मक है। सामान्य अभिकर्मकों की उपस्थिति में आपका जो एल्डिहाइड है वो किस में परिवर्तित होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होगा। तो आपने अगर सामान्य आपके ऑक्सीकृत लिए हैं, जैसे कि हो गया आपका KMnO4 K2Cr2O7, ये बच्चों कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इनकी उपस्थिति में आपका एल्डिहाइड आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा। लेकिन अगर कीटोन को आपको ऑक्सीकृत करना है तो वो सामान्य रूप से नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रबल ऑक्सीकृत प्रयोग में लेने पड़ेंगे। और उन प्रबल ऑक्सीकृत में हम करवाते हैं एक टॉलेंस का टेस्ट, एक हम करवाते हैं फेलिंग्स का परीक्षण। तो हम यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक हुआ हमारा टॉलेंस का रिएजेंट और दूसरा हुआ फेलिंग्स टेस्ट। बच्चों दोनों इम्पॉर्टेंट है, जब मैं आपको समझाऊंगी तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। लेकिन इससे पहले मैंने आपको कहा कि एल्डिहाइड को मैंने परिवर्तित किया तो एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर मुझे कार्बोक्सिलिक अम्ल दे रहा है, लेकिन कीटोन की बात करें तो क्या मिलेगा? जब आप कीटोन का ऑक्सीकरण करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको दो अम्लों का मिश्रण मिलेगा जो कार्बन और कार्बन के बीच के बंध के विदलन से बना होगा। तो देखिए होगा क्या, ऑक्सीकरण की हम बात कर रहे हैं। अगर हमने लिया RCH2 RC OCH2CH2R-, ठीक है। एल्डिहाइड का सामान्य ऑक्सीकरण की उपस्थिति में आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, लेकिन अगर मैं कीटोन का ऑक्सीकरण करती हूँ, ये कीटोन है सी डबल बॉन्ड ओ और आसपास आपका आर और आर ग्रुप, हम क्या कर रहे हैं इसका, हम इसका कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन। अगर आप किसी कीटोन को ऑक्सीकृत करते हैं तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल सिर्फ एक नहीं मिलता, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको दो मिलते हैं, दोनों का मिश्रण मिलता है। और वो क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड का विदलन होता है। तो हम कहेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच का जो आबंध है, उस आबंध का क्या हुआ? उस आबंध का विदलन हुआ, और उस आबंध के विदलन होने से हमें यहाँ पर दो कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण मिला। तो देखिए यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको एक तो RCOOH और साथ में R-CH2CH-C-OH। क्लियर? यहाँ से ये बॉन्ड टूटा तो एक आपको मिलेगा RCOOH और दूसरा आपको ये अम्ल मिलेगा। तो यहाँ पर दो अम्लों का आपको मिश्रण मिला। लेकिन एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पे सिर्फ आपको क्या मिला? सिर्फ आपको एक ही कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पर प्राप्त हुआ, जिसका नाम था RCOOH। लेकिन ये कब हुआ? ये आपका सामान्य अगर आपने ऑक्सीकृत लिए, जैसे कि आपका पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, उनकी उपस्थिति में। लेकिन अगर मैं कीटोन की बात करूं तो कीटोन में कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच का जो आबंध है, उस बॉन्ड का विदलन हुआ और आपको दो अम्लों का, दो एसिड्स का आपको यहाँ पर मिश्रण प्राप्त हुआ, RCOOH और आपका RCOOH। क्लियर इतना? चलिए, तो ये था आपका एल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीकरण करना। अब मैंने बोला कि एल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीकरण करने के लिए हमारे पास में दो इम्पॉर्टेंट तरीके हैं, और दो इम्पॉर्टेंट तरीके टॉलिन परीक्षण और फेलिंग परीक्षण है। इसके अलावा एक और तरीका है मेथिल कीटोन का हेलोफ्रोम अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण। लेकिन मैं तीनों में से बात करूं तो तीनों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है वो है टॉलिन और फेलिंग का परीक्षण। तो अभी हम जब ऑक्सीकरण करेंगे, पहले पढ़ेंगे हम टॉलिन का परीक्षण, दूसरा हम फेलिन का परीक्षण और मेथिल कीटोन का हेलोफ्रोम अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण, ठीक है बच्चों। तो हम इसको पढ़ेंगे अपचयन में नहीं, हम इसको पढ़ेंगे ऑक्सीकरण में, क्योंकि अपचयन हम दो तरीके से देख चुके, एक था क्लेमेंसन का अपचयन और दूसरा था वॉल्फ किशनर का अपचयन। तो ये तीनों हमारी जो विधियाँ हैं, ये तीनों हमारी ऑक्सीकरण की विधियाँ हैं। क्लियर इतना? चलिए, तो ऑक्सीकरण की पहली विधि में है आपका टॉलिन का परीक्षण, ठीक है। अब
टॉलिन का परीक्षण जब भी हम करेंगे एल्डिहाइड के लिए तो हमेशा टॉलिन का अभिकर्मक ही प्रयोग में लेना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे, मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट, इसको हम कहेंगे टॉलिन्स रिएजेंट। क्या कहेंगे? टॉलिन्स रिएजेंट। टॉलिन्स रिएजेंट का मतलब हुआ टॉलिन अभिकर्मक। क्लियर? अब ये टॉलिन का जो अभिकर्मक होता है ये क्या होता है आपका, ये आपका अमोनियम का सिल्वर, हम एक विलयन प्रयोग में लेते हैं, जिससे क्या होता है जब आप इसकी अभिक्रिया एल्डिहाइड से करवाते हो तो आपको सिल्वर कलर का एक प्योर दर्पण मिरर, जिसको हम बोलेंगे, वो प्राप्त होगा। लेकिन ये अभिक्रिया आपकी क्षार की उपस्थिति में ही होगी। तो टॉलिन का रिएजेंट क्या हुआ? टॉलिन का अभिकर्मक होता है AgNH3 होल ट्वाइस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयक। क्लियर? AgNH3 होल ट्वाइस। अब अभिक्रिया किसकी पढ़ रहे हैं? सारी अभिक्रिया एल्डिहाइड कीटोन की पढ़ रहे हैं। तो टॉलिन अभिकर्मक आपका एल्डिहाइड से जब अभिक्रिया करता है, ठीक है, ध्यान देना, एल्डिहाइड से अभिक्रिया कौन करेगा? 2AgNH3 होल ट्वाइस। क्लियर? ये आपका अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का अभिकर्मक है, विलयक है, जिसको हम कहते हैं टॉलिन का अभिकर्मक, टॉलिन रिएजेंट। परीक्षक परीक्षण कौन सा कर रहे हैं? टॉलिन का परीक्षण कर रहे हैं। अब मैंने बोला कि ये आपका सिर्फ क्षार की उपस्थिति में होगा, तो KOH तो आपको लेना पड़ेगा, तो मैंने 3OH नेगेटिव आयंस यहाँ पर लिए हैं। तो बच्चों जब ये अभिक्रिया होगी तो आपको क्या मिलेगा? RCOO नेगेटिव, Ag साथ में NH3 और साथ में आपका H2O बनेगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे टॉलिन की अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में देखो हुआ क्या, हमने क्या लिया, हमने लिया यहाँ पर एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया मैंने किसके साथ में करवाई? मैंने एल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलिन के अभिकर्मक के साथ करवाई। टॉलिन का अभिकर्मक होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉलिन का अभिकर्मक। ठीक, किसकी उपस्थिति में? 3OH नेगेटिव लिखा है मैंने यहाँ पर, मतलब मुझे इसको अभिक्रिया को क्षार की उपस्थिति में करवाना है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ क्षार, ये हुआ क्षार। अब आप देखो कि जो आपका एल्डिहाइड था वो आपका ऋणात्मक होके कार्बोक्सिलेट आयन में परिवर्तित हो चुका है। ये आपका ऋणायन हुआ और कार्बोक्सिलेट आयन बना। तो यहां पर क्या बना? ये बना कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, और जो आपका टॉलिन अभिकर्मक है वो अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई, ये हमें कैसे पता पड़ता है कि अगर वो हुई है या नहीं हुई है? हमें यहां पर मिलता है सिल्वर मिरर। क्या मिलता है? सिल्वर मिरर। ये प्योर सिल्वर मिरर, सिल्वर रंग का हमको कांच के रूप में हमें यहाँ पर एक विलयक प्राप्त होता है, जिसको हम Ag कहते हैं। साथ में बनेगा आपका NH3 और H2O। तो ये जो पूरी अभिक्रिया मैंने यहाँ पे लिखी, ये आपका टॉलिन का परीक्षण है। टॉलिन का परीक्षण हम किसके लिए करवाते हैं? हम एल्डिहाइड के लिए करवाते हैं। एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब हम क्षार की उपस्थिति में टॉलिन के अभिकर्मक से करते हैं तो हमें यहाँ पर एक कार्बोक्सिलेट आयन के साथ एक सिल्वर कलर का प्योर जो मिरर है उस रूप में हमें सिल्वर प्राप्त होता है, और यही अभिक्रिया हमारी होती है टॉलिन की रिएक्शन। क्लियर है? तो ये आपकी एल्डिहाइड की है, और ये हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इसको ऑक्सीकरण में पढ़ रहे हैं। दूसरा टेस्ट क्या है? दूसरा टेस्ट है आपका, तो बच्चों अब हमारा टॉलिन्स टेस्ट के बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है आपका फेलिंग्स का टेस्ट। तो फेलिंग का परीक्षण कैसे करेंगे? आप देखोगे कि जब आप फेलिंग का परीक्षण करते हो ना, तो फेलिंग के परीक्षण में आपके पास में दो सॉल्यूशंस होते हैं। एक को हम बोलते हैं फेलिंग ए, एक को हम बोलते हैं फेलिंग बी। अब दोनों में क्या अंतर है? जो फेलिंग ए वाला रिएजेंट होता है ना आपका, वो होता है आपका जलीय कॉपर सल्फेट।
इसको क्या बोलते हैं, जलीय कॉपर सल्फेट, ये आपका फेलिंग ए वाला सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सेकंड जो फेलिंग बी होता है ना, वो आपका होता है पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसको हम रोशले सॉल्ट भी बोलते हैं, हिंदी में हम इसको रोशेल लवण भी कहते हैं, क्लियर। तो दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक फेलिंग ए एक फेलिंग बी। फेलिंग ए जो होता है वो आपका जलीय कॉपर सल्फेट होता है, और सेकंड आपका रोशले सॉल्ट होता है। रोशले सॉल्ट क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सॉरी यहां पर आएगा सोडियम, इसको बोलेंगे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब होगा क्या कि जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ना, तो दोनों को समान मात्रा में लेके चलते हैं, तो दोनों को समान मात्रा में जब आप लेके चलते हो, तो आप ये देखोगे कि ये एल्डिहाइड को टेस्ट करने का सबसे अच्छा मेथड है। तो जब भी किसी एल्डिहाइड की आप इससे फैलिंग टेस्ट करके रिएक्शन करवाते हो ना, तो वो लाल भूरे रंग के प्रेसिपिटेट्स देते हैं, अवशेप देते हैं, जिससे ये इंडिकेट होता है कि आप यहाँ पर जो रिएजेंट लेके चले हो वो क्या है, आपका कोई एल्डिहाइड ग्रुप है। तो देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है। अगर आपने RCHO की रिएक्शन करवाई, ठीक है, यहाँ पर क्या लेने हैं, Cu+2 और 5OH नेगेटिव आयंस, 2Cu+2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा आपको RCOO नेगेटिव प्लस कॉपर ऑक्साइड, और साथ में आपको मिलेगा H2O, क्लियर। कॉपर ऑक्साइड साथ में आपको मिलेगा H2O, और आप देखोगे कि हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, 5 और 1 6, तो मुझे यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। O नेगेटिव आयंस आपके 3 हो गए, कॉपर आपके यहाँ पर 2 हो गए। RCHO में 2Cu+2 प्लस 5OH नेगेटिव आयन डालेंगे, तो RCOO नेगेटिव, Cu2O और 3H2O मिलेगा। तो यहाँ पे ये आपको जो मिला है ना, ये आपको मिला है लाल भूरे रंग का अवशेप, ठीक है। ये आपको जो पीपीटी मिले हैं लाल भूरे रंग के, तो ये आपको इंडिकेट करेंगे कि फेलिंग ए और फेलिंग बी को जब हम समान मात्रा में लेके चलते हैं किसी एल्डिहाइड का टेस्ट करने के लिए, तो हमें ये इंडिकेट होता है कि पर्टिकुलर जो हम रिएक्टेंट लेके चले हैं वो एल्डिहाइड है कि नहीं है। तो टॉलेंस टेस्ट के बाद जो नेक्स्ट टेस्ट था हमारा, वो क्या था, फेलिंग्स का टेस्ट। तो बच्चों अब हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है मेथिल कीटोन का हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण, ठीक है। अब मेथिल कीटोन का हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण कैसे होगा, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको मेथिल कीटोन लेना पड़ेगा। तो मेथिल कीटोन हम कैसे लेंगे, देखिएगा, RC OCH3, इसका मतलब कि जो मेथिल ग्रुप लगा है ना वो C OO से लगा है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ये हुआ हमारा मेथिल कीटोन, क्लियर। अब मेथिल कीटोन के साथ अगर आप अभिक्रिया करवानी है, तो हमें अभिक्रिया करवानी पड़ेगी सोडियम के हाइपोहलाइट की। किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, सोडियम के हाइपोहलाइट की। तो सोडियम के हाइपोहलाइट के साथ अभिक्रिया करने पे ये क्या करेगा, ये आपका जो ओ एन ए ग्रुप है ना, ये CH3 को, मेथिल ग्रुप को यहां से रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस करके जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ना, उसमें एक कार्बन पहले वाले के कंपाउंड के कंपेरिजन में कम होगा। देखो यहां क्या बनेगा, या बनेगा आपका RCOO ONA, ठीक है, ये पूरा NaO ग्रुप इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब यहां पर ये जो मैं NaOCl लेके चली हूँ हाइपोहलाइट, तो ये एक्स आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अब हम Cl लेके चले हैं, तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो आपको CHCl3 मिलेगा, मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको CHX3 मिलेगा, क्लियर है। तो CHCl3 जो होगा वो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा, और ONA इससे रिप्लेस हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं, ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल हाइपोहलाइट के साथ। हमने लिया C OO, इधर है आपका CH3, इधर है CH3, इधर भी है CH3, और इधर है आपका C OO CH3, क्लियर। अब देखो क्या होगा कि अगर आप इसकी अभिक्रिया करवाते हो NaOH के साथ, सोडियम के किसी भी हाइपोहलाइट के साथ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि कीटोन के साथ जो मेथिल ग्रुप लगा होगा, तो देखो कीटोन कहाँ है, C OO, यहाँ पर आपका कीटोनिक ग्रुप है, इस कीटोनिक ग्रुप के साथ जो मेथिल ग्रुप लगा है ना, ये डायरेक्टली उसको रिप्लेस करेगा। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ये आ गया आपका CH3, ये आ गया आपका CH3, ये डबल बॉन्ड C, इधर भी आपका CH3,
इधर हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए, ठीक है। इस सी एच थ्री को इसने रिप्लेस किया। इस सी एच थ्री को रिप्लेस करने के बाद ये क्या बनाएगा, इस सी एच थ्री को रिप्लेस करने के बाद क्योंकि मैं यहाँ पर एक्स लेके चली हूं तो यहाँ जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो सी एच एक्स थ्री बनेगा, क्लियर। तो यहाँ पर हाइपोहलाइट के साथ अभिक्रिया करवाने पे जिस किटोन पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है ना उसको रिप्लेस करके ओ एन ए ग्रुप लग जाएगा। आप देखोगे जो प्रोडक्ट बना है क्योंकि ये मेथिल ग्रुप को हटा रहा है तो प्रोडक्ट में एक कार्बन पहले के कंपैरिजन में कम है, लेकिन अभिक्रिया आपको किसके साथ करवानी है, आपको अभिक्रिया हमेशा हाइपोहलाइट्स के साथ ही करवानी है। तो हम यहाँ पर सोडियम का हाइपोहलाइट ही लेके चलेंगे, क्लियर। तो ये थी आपकी मेथिल किटोन का हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर जो फॉर्म होंगे वो क्या फॉर्म होंगे, ये फॉर्मुला वाले कंपाउंड्स, ये आपके सारे हेलोफॉर्म फॉर्म होंगे, सी एच एक्स थ्री, ठीक है, सी एच बी आर थ्री, सी एच आई थ्री, सब क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे आपका हेलोफॉर्म ही फॉर्म होगा, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये था आपका मेथिल किटोन के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों ये हमारी आज की क्लास थी पूरी अपचयन और ऑक्सीकरण के बारे में। तो अपचयन होता है रिडक्शन, ऑक्सीकरण होता है आपका ऑक्सीडेशन। अपचयन आप दो तरीके से करोगे, पहला आप करोगे क्लेमेंसन के द्वारा, दूसरा आप करोगे वुल्फ किशनर के द्वारा। और ऑक्सीकरण को करने की कितनी विधियां हैं, ऑक्सीकरण को करने की आपके पास तीन विधियां हैं। पहला आप करो टॉलिन का परीक्षण, दूसरा आप करो फैलिंग का परीक्षण, और तीसरा आप मेथिल किटोन का हेलोफॉर्म अभिक्रिया करवाओ, क्लियर है। पांचों रिएक्शंस आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, डेफिनेटली इस टॉपिक से और अगली क्लास में जो हम संगणन पढ़ने वाले हैं उसमें से ज़रूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हर चैप्टर की रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सारे लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए और आई होप कि आज का लेक्चर सभी बच्चों का क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंटेंट, स्टडी मटेरियल या डीपीपी की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चों थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। आशा करता हूँ हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊँ तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.